स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है ये बलौदा बाजार जिले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं। इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता है स्कूल? हाँ। रोज जाता है? हाँ। काकर संग में जाता है? मोर पापा संग। रोज? हाँ। और ज्यादा गड्ढा आते कैसे करता? नहीं जामन स्कूल जाना बंद कर देते? हाँ। भैया रोज ऐसे जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा कर जाता है रोज, बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देता है दो तीन हफ्ता। ये देख सकते हैं। कितना पढ़ता है भाई? मैं 11वीं में हूँ भी अभी। रोज ऐसे स्कूल जाते हैं? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है। जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आ चुके हैं पानी। अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से। ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है। इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार।